पर दो एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस हैं, एक द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर, हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है द डायग्नोस्टिक मैसेज इज रिट्रांसमिटेड। इट का मतलब क्या है, द डायग्नोस्टिक मैसेज इज रिट्रांसमिटेड का मतलब है इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली वाली स्टेटमेंट अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी और क्यू, राइट। दूसरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट स्टोर्ड इन द बफर, दैट मीन्स नॉट पी। एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर, इफ द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर दैट इज पी, देन इट इज रिट्रांसमिट इंप्लाइज क्यू। इज इट क्लियर, तीनों की ट्रांसलेशन क्लियर है? एक्नॉलेज कर दिया करें रेज हैंड करके ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले। आवाज आ रही है मेरी? रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? जी, ये आवाज आने का हैंड रेज था, राइट अरिशा? मैं पूछ रहा हूँ ये ट्रांसलेशन समझ में आ गई, ट्रांसलेशन में कोई इशू तो नहीं है? जी क्या कह रहे नाइम? नो सर, नो, आ गई समझ। ओके देन, अभी जैसे मैंने कहा हम कैसे चेक करेंगे, हम ऐसे चेक करेंगे अगर आप ट्रुथ टेबल इनका बना सकते हैं तो क्या बनाएंगे, पी और क्यू, सिर्फ दो ही तो एलिमेंट्री वेरिएबल्स बने हमारे लिए, बहुत आसानी है। तो टोटल चार रोज बनेंगी, उससे ज्यादा रोज बनेगी नहीं। कौन कौन सी, व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज ट्रू, व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, व्हेन पी इज फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू, एंड फाइनली व्हेन बोथ आर फॉल्स। तो तीन स्टेटमेंट के आप ये तीन और कॉलम बना लेंगे, किस किस के, पी और क्यू का, नॉट पी का और पी इंप्लाइज क्यू का। उनमें कोई भी एक रो, एटलीस्ट एक रो ऐसी मिल जाती है जिसमें ये तीनों ट्रू 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 मिल जाते हैं, दैट इज पी आर क्यू भी ट्रू है, नॉट पी भी ट्रू है और पी इंप्लाइज क्यू भी ट्रू है, दैट मीन्स सॉल्यूशन पॉसिबल है कि कोई ना कोई ऐसी पी और क्यू की कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन की ऐसी कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है जिसके लिए तीनों रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती है। देन वी कैन से दैट दीज स्पेसिफिकेशन आर एक्चुअली कंसिस्टेंट, वी कैन हैव अ सॉल्यूशन, वी कैन प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन एक भी हो सकता है या सॉल्यूशंस मल्टीपल भी हो सकते हैं। और अगर कोई भी एक ऐसी रो नहीं मिलती जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए ट्रू 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 आए, देन वी विल से दैट दिस दीज स्पेसिफिकेशंस आर एक्चुअली इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर जो ऊपर की तीन रिक्वायरमेंट्स दी हुई थी ये एक्चुअली अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कंसिस्टेंट निकलेंगी, आपको रो मिल जाएगी जिसमें तीनों रिक्वायरमेंट्स मीट हो सकती हैं। फिर इसने बुक में बोला हुआ है व्हाट इफ देयर इज एन अदर, मतलब कहीं और से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी और एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन मिलती है या डॉक्यूमेंट को पढ़कर कहीं से एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मिलती है रिक्वायरमेंट गैदर करते हुए, कि द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट रिट्रांसमिटेड, द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट रिट्रांसमिटेड, एक ऐसी रिक्वायरमेंट भी मिलती है। एक और रिक्वायरमेंट मिलती है द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट रिट्रांसमिटेड, दैट मीन्स कि अब चार रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। तो फिर आप दोबारा चौथा कॉलम बनाकर देखेंगे तो आपको लगे, आप देखेंगे कि ऐसी कोई भी पी और क्यू की कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके लिए चारों की चारों रिक्वायरमेंट्स मीट हो सकती हैं। देन वी कैन से दैट दीज रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफिकेशंस आर इनकंसिस्टेंट। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसमें हम पहले सिस्टम स्पेसिफिकेशंस को लॉजिक की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उनकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि जो आपके कस्टमर का प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल भी है या नहीं है। क्योंकि आप जो सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल पी क्यू की कॉम्बिनेशंस रख के उसको सॉल्यूशन प्रपोज कर देंगे, उसमें से लेट सपोज तीन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई, चौथी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, तो कल तो कस्टमर कहेगा मैंने तो भाई चार रिक्वायरमेंट्स दी थी, चौथी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं फुलफिल हो रही, या वो चौथी रिक्वायरमेंट एक ऐसे मैनेजर ने दी हो, वो आपको बोलेगा कि मैंने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो तो फुलफिल ही नहीं हो रही है। सो यहाँ पर ये सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, और देन जो आपका व्हाट इफ डायग्नोस्टिक मैसेज नॉट रिट्रांसमिटेड उसका भी सोल्यूशन लिखा हुआ है। आई होप के फुलफिल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब एक इंटरेस्टिंग है पजल है,
पजल आप बचपन में भी सॉल्व करते थे, तो इसको गौर से सुनेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो और फिर देखेंगे हाउ वी कैन यूज से प्रोपोजिशनल लॉजिक टू सॉल्व पजल्स। ठीक है, सो अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, पहले तो पजल समझ समझ लें। ठीक है, एवरीवन विल थिंक ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो मैं बोल रहा हूँ कि लेट सपोज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैं, आप समझेंगे उस मैं को आप खुद समझेंगे। से मैं एक आइलैंड पर जाता हूँ, एक ऐसे नए आइलैंड पर जाता हूँ जहाँ पर दो किस्म के लोग रहते हैं, इनहेबिटेंट्स रहते हैं। एन आइलैंड हैज टू काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स, वन आर कॉल्ड नाइट्स एंड अदर आर कॉल्ड नेव्स। उस आइलैंड पर दो किस्म के लोग रहते हैं, वन आर कॉल्ड नाइट्स एंड अदर आर कॉल्ड नेव्स। नाइट्स वो हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है, नाइट्स वो हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, नेव्स वो हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। नाइट्स वो हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, नेव्स वो हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? एक आइलैंड पर जाते हैं तो वहां पर दो किस्म के लोग रहते हैं, वन आर कॉल्ड नाइट्स अदर आर कॉल्ड नेव्स। नाइट्स आर दोज हु ऑलवेज टेल ट्रुथ और नेव्स हमेशा झूठ बोलते हैं। अब मैं जब आइलैंड पर जाता हूं, व्हेन यू गो टू आइलैंड यू मीट टू पर्संस, वन ऐसा समझ लें ए और बी दो पर्सन से मिलते हैं, एंड ए सेज बी इज नाइट। ओके, यू मीट टू पर्संस ए एंड बी, ए सेज बी इज नाइट एंड बी सेज द टू ऑफ अस आर अपोजिट टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन ये है कि अब आपको ये बताना है ए और बी किस टाइप के हैं। क्या ए और बी दोनों नाइट्स हैं? क्या ए और बी दोनों नेव्स हैं? क्या ए नाइट और बी नेव है? क्या ए नेव और बी नाइट है? आपको एक्चुअली ये बताना है। ठीक है, ये है आपकी पहेली, ये है आपके लिए पजल। कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड, कौन बताएगा कि व्हाट कैन बी द आंसर? रिपीट कर देता हूं, हम एक आइलैंड पर जाते हैं, आइलैंड पर दो किस्म के लोग रहते हैं, वन आर कॉल्ड नाइट्स एंड अदर आर कॉल्ड नेव्स। नाइट्स ऑलवेज टेल ट्रुथ एंड नेव्स ऑलवेज लाई, दे नेवर टेल ट्रुथ। जब हम जाते हैं दो लोगों से मिलते हैं, वी कॉल देम ए एंड बी, और जो ए है दैट सेज बी इज नाइट एंड बी सेज वी टू आर ऑफ अपोजिट टाइप। नाउ यू हैव टू टेल What are the types of A and B? That means के दोनों नेव हैं, दोनों नाइट हैं, क्या हैं? Just raise your hand, अपने अपने answers बता दें, कोई issue नहीं है, बाद में हम इसको solve करते हैं। आपके हिसाब से आप पहली के सा... जी बेटा अनस सर, वहाँ पे वो दो लोगों से मिला है ना? जी सर, वो दोनों दोनों है, मतलब नाइट और नेव दोनों है। कौन नाइट है कौन नेव है? ए नाइट है बी नेव है, ए नेव है बी नाइट है, क्योंकि दोनों की स्टेटमेंट बी नाइट और ए नेव है। बी इज अनस, अपने पास लिख लो, अनस कहता है बी इज नाइट, दैट मींस के सच बोल रहा है, सच बोलने वाला है, एंड ए इज नेव, दैट मींस ए झूठा है जो हमेशा झूठ बोलता है। एनीवन एल्स? सॉल्व करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछ लें, और जो नहीं भी मुझे यहां पर बता रहे वो अपने आंसर्स अपनी कॉपी पर नोट कर लें। समा है और असद है, मुकरम है, सॉरी मुकरम बोले। जी सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है बेटा। सर मुझे लग रहा है दोनों ए और बी दोनों वो है, नाइट है। ए और बी दोनों नाइट है, दोनों सच बोलते हैं, बिल्कुल आपकी तरह से। जी ओसामा सर, दोनों नाइट है, दोनों सच बोल रहे हैं। ओके, देखिए एटलीस्ट इतना तो अंदाजा हो गया कि सबके आंसर्स डिफरेंट हैं। तीन बच्चों ने यहाँ पर बता दिए, बाकी ने अपने पास लिख लिए हैं, लेकिन सबके आंसर्स डिफरेंट हैं, अपने अपनी लॉजिक लगाकर मतलब अपने तरीके से बता रहे हैं। अगर इसी इसी पजल को अगर हम प्रोपोजिशनल लॉजिक से सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये नहीं, आपके बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ ये आइलैंड वाली भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, अगर इनको हम using propositional logic solve करेंगे तो हमेशा correct answer मिलेगा। okay?
अब सपोज पी रिप्रेजेंट्स ए इज नाइट, ओके पी रिप्रेजेंट्स, यहां पर लिखना मुझे मुश्किल हो रहा है, आप सुनते जाएं या अपने पास लिखते जाएं, पी रिप्रेजेंट्स इज नाइट एंड क्यू रिप्रेजेंट्स बी इज नाइट, ओके अगर P represents A is night, तो आपको पता है not P का मतलब क्या है? It is not the case that A is night, या फिर कह सकते हैं कि A is not night, या फिर कह सकते हैं कि A is knave, ठीक है? Not P का यही मतलब होगा ना? Is it clear? And not Q का क्या मतलब होगा? B is यहां तक क्लियर है? अब हम पजल को सॉल्व करते हैं। ये तो हमने सपोजिशंस कर ली, पी का मतलब है ए इज नाइट। अब देखें, इफ ए इज नाइट, इफ ए इज नाइट दैट मींस इफ पी इज ट्रू, इफ ए इज नाइट इसका मतलब क्या है? पी इज ट्रू, तो ए अगर नाइट है तो ए ने क्या कहा था? ए ने क्या कहा था? बी इज नाइट, ओके और क्योंकि आपने कहा कि P इज ट्रू, इसका मतलब है A इज नाइट, और A इज नाइट का मतलब है कि A ने जो भी बोला है वो सच है, ओके तो B इज नाइट, और क्योंकि A ने कहा था B इज नाइट, और इसका मतलब है, इसका मतलब है P ट्रू है तो Q भी ट्रू है, ठीक है, B इज नाइट, ओके और B is night, Q true है, तो इसका मतलब है कि जो B कह रहा है वो भी सच होगा, और B क्या कह रहा है? We both are of opposite type. भाई अगर P भी true है, P भी night है, Q भी night है, तो opposite type के तो हुए नहीं, ठीक है? A ने कहा B is night, that means P is true. और अगर A क्योंकि night है तो सच बोल रहा है, B is night, और B अगर night है, that means Q is true. और अगर Q ट्रू है तो B, Q ट्रू है, B इज नाइट, तो फिर इसका मतलब है B जो बोल रहा है वो सच होना चाहिए, और B क्या बोल रहा है? We two are of opposite type, तो opposite type के निकले नहीं, इसका मतलब है ये तो क्लियर हो गया पहली सपोजिशन कि P जो है वो नाइट नहीं है, P जो है वो नाइट नहीं है, सो P इज फॉल्स, इसका मतलब है नॉट P इज ट्रू, इसका मतलब है नॉट P इज ट्रू, या फिर ऐसे समझ लें कि एक्चुअली ए इज अ नेव, ए इज नेव, ए का पता चल गया, ए इज नेव, ओके नेव का मतलब है वो जो झूठ बोलते हैं, अगर ए नेव है और ए ने बोला बी इज नाइट, ठीक है, अगर ए नेव है तो बी, ए ने बोला बी इज नाइट, तो ये झूठ होगी, तो सच क्या होगा? बी इज नेव, राइट, तो सच क्या होगा? क्योंकि नॉट पी इज ट्रू, इसका मतलब है नॉट पी इज ट्रू, इसका मतलब है ए जो बोल रहा है वो गलत बात होगी, बी इज नाइट, तो बी नाइट नहीं है, बी भी नेव है, तो क्योंकि बी नेव है तो इसका मतलब है बी जो बोल रहा है वो फॉल्स होना चाहिए, और बी क्या कह रहा है? वी बोथ आर ऑफ अपोजिट टाइप, तो देखें ये फॉल्स है, दोनों अपोजिट टाइप के निकल ही नहीं रहे, दोनों सेम टाइप के निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है बोथ ए एंड बी आर नेव्स, ठीक है, बोथ ए एंड बी आर नेव्स, नो वन इज नाइट, इज इट क्लियर? नहीं भी क्लियर है तो रेज हैंड करें, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है दिमाग में तो रेज हैंड करें तो मुझे पता चले। सर ये मैं समझ नहीं आया, फिर तो समझा दें तब आप, ठीक है, और साथ क्या बोल रहे हैं सर? ट्रुथ टेबल बन जाएगा इसका? ट्रुथ टेबल की जरूरत नहीं है, ना बनेगा, यहाँ पर आपको अब दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
अब म्यूट नहीं कीजिएगा, साद आप भी नहीं, और किसने पूछा था, मुकरम ने पूछा था, हैंड रेज करें, और कौन है जिसको क्लियर नहीं है जो दोबारा एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं? कहाँ गए बच्चे बेटा? यहाँ पर चैट में नहीं, चैट में कितनी पढ़ूंगा? मिर्जा मोइज है, फातिमा है, और बाकी ये दो तीन बच्चे हैं जिनको क्लियर भी नहीं है, दोबारा सुन एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, और बाकी बच्चों को क्लियर भी नहीं है और सुनना सीखना भी नहीं चाहते, दैट्स गुड, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब मैं इसलिए जो ये हैंड रेज हैं ये अपने अनम्यूट कर लें जरा, मैं क्योंकि पूछता जाऊँ जहाँ जहाँ तक क्लियर होता जाए, ऐसा नहीं है पूरी कहानी बता दूँ फिर वो दोबारा बोलेंगे क्लियर नहीं है, तो बीच बीच में मुझे यस या नो कहते जाएं, रोकते जाएं। शोर ना करें हाँ, ताकि मैं बोल सकूं। अब पहले तो मैं इस ड्राइंग को क्लियर कर लूं सारा। मैंने कहा कि सबसे पहले सपोज करें पी रिप्रेजेंट्स ए इज नाइट, ये क्लियर था? यस सर। पी रिप्रेजेंट्स ए इज नाइट, इसका मतलब है ए हमेशा सच बोलता है, तो और इसका मतलब है नॉट पी का मतलब क्या होगा? नॉट पी का मतलब होगा ए इज नॉट नाइट, या फिर कह सकते हैं वी कैन से दैट ए इज नेव, ये भी क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, इसी तरीके से क्यू का हमने मतलब कहा था, क्यू की मीनिंग है बी इज नाइट, ये भी ये फिर ये तो इशू है ही नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं पी इज ट्रू, क्या कंसीडर करते हैं जैसे ट्रू फॉल्स करते हैं ना हम, सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं पी इज, किसी ने कहा था ट्रुथ टेबल बन सकता है, पी इज ट्रू कंसीडर करते हैं। ओके ओके, पी ट्रू कंसीडर करते हैं, इसका मतलब है क्या ट्रू कंसीडर कर लिया हमने, ए इज नाइट को ट्रू कंसीडर कर लिया। ओके, इस स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर कर लिया, और क्योंकि ए इज नाइट को ट्रू कंसीडर कर लिया और आपको ऑलरेडी ये गिवन है कि नाइट का मतलब है वो सच बोलता है, तो इसका मतलब है कि पी इज नाइट तो बी इज ऑल्सो नाइट। ओके, क्योंकि क्या कहता है ए, क्या कहता है बी इज नाइट, ये ट्रू है, और ये ट्रू होने का मतलब क्या है, बी इज नाइट का मतलब है क्यू इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। यहां तक ठीक है, इसका मतलब ये तो कह रहा है पी एंड क्यू, लेकिन अगर आप खुद सोचें पी भी नाइट है क्यू भी नाइट है, ये तो सेम टाइप के हो गए ना, लेकिन ये कह क्या रहा है, बी कह क्या रहा है, ए भी नाइट है बी भी नाइट है, तो आप कह रहे हैं कि दोनों सेम टाइप के हो गए, लेकिन बी क्या कह रहा है, द टू ऑफ अस आर ऑफ अपोजिट टाइप्स, अपोजिट ट्राइब्स, भाई दोनों नाइट हुए तो दोनों अपोजिट ट्राइब के हुए क्या? नो सर। तो इसका मतलब है ये तो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बी झूठ बोल रहा है, तो नाइट तो झूठ बोलते ही नहीं, ये तो हमें पहले ही बताया हुआ है, सही है? जी सर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए इज नेव, या उसका अलावा कोई मतलब आपको समझ आता है, और कोई मतलब निकलता हो? आप तीन चार जिसके माइक ऑन है, इसके अलावा कोई मतलब समझता है? इसका मतलब यही हुआ ना कि बी ए इज नेव, यस या नो में जवाब तो दें सर। जैसे दोनों नेव हो सकते हैं जी, दोनों ही झूठ बोल रहे हो, अगर अभी दूसरे पर पहुंचे ही नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया, हमने शुरू कहां से किया था, ए इज नाइट से, पी को ट्रू करके शुरू किया था। यस यस सर। तो पी तो फॉल्स हो गया ना, पी तो हाँ, तो ए इज नेव यहाँ तक प्रूफ हो गया। यस सर। ए इज नेव ये प्रूफ हो गया। अब क्योंकि ए इज नेव तो ए जो कुछ भी बोल रहा है दैट मस्ट बी फॉल्स। यस। दैट मस्ट बी फॉल्स का क्या मतलब है, बी इज नाइट मस्ट बी फॉल्स। यस सर। दैट मींस क्यू मस्ट बी फॉल्स,
नॉट क्यू मस्ट बी ट्रू राइट यस यस तो इसका मतलब है नॉट जब और नॉट क्यू मस्ट बी ट्रू का मतलब है बी इज एक्चुअली क्या है नेव नेव है हाँ और बी नेव है उसको अगेन इस स्टेटमेंट को सेकंड कौन कर रहा है बी की अपनी स्टेटमेंट सेकंड कर रही है टू ऑफ अस आर अपोजिट टाइप्स तो ये जो स्टेटमेंट बी बोल रहा है ये झूठ तो बोल रहा है टू ऑफ अस आर अपोजिट टाइप्स दोनों सेम टाइप है ना दोनों नेव है जी सर यही मैं कह रहा था कि दोनों नेव है सही समझ इस तरीके के एग्जैक्टली इसी पर दो तीन चार पजल्स ऑलरेडी आपके एक्सरसाइज में वो करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगेगा एक और पजल था यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है अगर आपके पास कॉपी पेन लिख कर बैठे हुए बुक का ही पजल है बुक का एग्जाम्पल है या तो बुक जिनके पास है वो बुक खोल कर बैठ जाए तो मुझे भी आसानी से वो पढ़कर बताएंगे मेरे सामने बुक नहीं खुली हुई नहीं तो फिर सारा सुनना पड़ेगा इतना सारा याद रखना पड़ेगा जो चीजें मैं बोलता जाऊंगा A father says his two children, one boy and other girl, go and play in the backyard, but don't get dirty. एक वालिद हैं जो अपने दो छोटे बच्चों को बोलते हैं बैकयार्ड में जाकर खेलो लेकिन गंदा नहीं होना है और एक लड़का है एक लड़की है यहां तक क्लियर है सबको ओके अनस रेज हैंड जी सर सवाल एक दफा रिपीट कर देंगे अभी सवाल तो हुआ ही नहीं अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स बता रहा हूं सर वही स्टेटमेंट एक फादर हैं जो अपने दो बच्चों को बोलते हैं जाकर बैकयार्ड में खेलो घर के पीछे गार्डन है उसमें खेलो लेकिन गंदा नहीं होना है और वो जो दो बच्चे हैं उनमें से एक लड़का एक लड़की है ठीक है एक बेटा है एक बेटी है फिर बंद कर दिया माइक अब मैं ठीक है का जवाब कौन देगा ठीक है जी सर ये स्टेटमेंट समझ में आ गई जब वो खेल कर खेल खत्म करते हैं तो फादर सेज At least one of you have mud on your forehead. लिख लें ये स्टेटमेंट जिनके पास कॉपी पेन है At least one of you have mud on your forehead. बच्चों को क्या बोलता है At least one of you have mud on your forehead. और वैसे तो यहाँ पर मतलब बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ At least one of you have mud on your forehead का मतलब है किसी एक के तो जरूर है दोनों के भी हो सकती है इसका मतलब यही निकलता है ठीक है Then father asks children do you know you have mud on your forehead father दोनों बच्चों से सेम क्वेश्चन पूछता है do you know you have mud on your forehead और शर्त यह है कि दोनों को सेम टाइम पर जवाब देना है और दोनों को या यस या नो में जवाब देना है बेटे और बेटी दोनों को सेम टाइम पर जवाब देना है दोनों को या यस या नो में जवाब देना है ठीक है वंस दोनों बच्चे जवाब देते हैं फादर अगेन सेम क्वेश्चन पूछता है डू यू नो यू हैव मड ऑन योर फोरहेड और अगेन दोनों बच्चों को एक साथ जवाब देना है यस या नो में जवाब देना है अब कभी दोनों बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं अजम्पशंस ले लें दोनों बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं दोनों बच्चे लाजमी सी बात है दो बच्चे हैं तो एक दूसरे का तो सर देख ही सकते हैं फोरहेड देख सकते हैं अपना अपना नहीं देख सकते कोई आईना नहीं लगा हुआ क्वेश्चन ये है कि आपसे क्वेश्चन ये है कि दोनों बच्चे फर्स्ट टाइम में क्या आंसर देंगे जब फर्स्ट टाइम फादर ने पूछा डू यू नो यू हैव मड ऑन योर फोरहेड फिर फादर ने जब दोबारा ये क्वेश्चन आंसर मिलने के बाद दोबारा ये क्वेश्चन पूछा डू यू नो यू हैव मड ऑन योर फोरहेड तो दूसरी मर्तबा में दोनों बच्चे क्या आंसर देंगे क्या ऐसा होगा कि पहली मर्तबा में दोनों बच्चे यस देंगे
या पहली मर्तबा में दोनों बच्चे नो आंसर देंगे, दूसरी मर्तबा में दोनों यस देंगे? क्या ऐसा होगा पहली मर्तबा में गर्ल यस बोलेगी और बॉय नो बोलेगा, दूसरी कंडीशन में बॉय नो बोलेगा और गर्ल यस बोलेगी, ऐसा क्या होगा? दोनों के आंसर्स फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में क्या होंगे बॉय और गर्ल के? दिस इज द पजल, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यू. जी अनस, हैंड अगेन रेज्ड है. कौन आंसर देना चाह रहा है जो अपने जहन में आ रहा हो? बाद में हम सॉल्व तो कर ही रहे ना पजल को. कोई भी एक हैंड रेस नहीं है, क्या क्या करूं मैं? चले, कौन है जिनको ये कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या पूछ रहा हूं मैं? अनस जी. सर समझ ही नहीं आया. बुक है सामने, हाथ में बुक है? नो सर. कॉपी है? जी सर. हाँ, ये उसामा क्या कह रहे हैं, फातिमा क्या कह रही हैं? जी हेलो. क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा. क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा. कॉपी पेन है फातिमा? सर बुक खोली है मेरे सामने. ये क्वेश्चन मिल गया? जी सर. क्वेश्चन भी मिल गया, ओके. उसामा आप क्या कह रहे हैं? उसामा का तो माइक ही ऑन नहीं है. अब चलें, ये एटलीस्ट जो उसामा, अपना अनस, फातिमा और उसामा, आप माइक बंद नहीं कीजिएगा, तो दोबारा मैं पूरा क्वेश्चन बोलूं. सर मैं जवाब बता दूं? बता दें सर. वो पहली बार में दोनों नो आंसर करेंगे और उसके बाद दोनों यस आंसर करेंगे. बुक को देखकर बता रहे हो? नो सर. चलो क्यों सर बताएंगे की... पहली मतवा नो क्यों बोलेंगे, दूसरी मतवा यस क्यों बोलेंगे अगर ऐसे? सर क्योंकि क्योंकि दोनों एक तो झूठ नहीं बोलते, सच बोलेंगे, और दोनों एक दूसरे का फोरहेड देख सकते हैं. तो जब और फादर ने पूछा था कि एट लीस्ट वन ऑफ यू, तो कम से कम एक के लगा हुआ. तो जब पहली बार में वो एक दूसरे को देखेंगे तो देखेंगे कि दूसरे के सर पे लगा हुआ है. तो दोनों, और फादर ने पूछा था कि यू हैव, यानी कि तुम्हारे फोरहेड पे लगा हुआ है, तो दोनों अपने बारे में पहली बार में नो कह देंगे. तो फिर जब दोनों नो कहेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी के भी नहीं लगा हुआ, एटलीस्ट एक के लगा हुआ है. तो दोनों समझ जाएंगे कि फादर ने एटलीस्ट कहा था, तो यानी दोनों के अब लगा हुआ है. तो दूसरी बार में दोनों यस कहेंगे और झूठ भी कोई बच्चा नहीं बोल रहा है. चले पहले तो बच्चों को कुछ क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ है, तो क्वेश्चन क्लियर करके फिर आंसर आपका बिल्कुल ठीक है. अब जिनको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ वो मुझे यस यस करते जाएंगे जितना जितना क्लियर होता जाएगा. हमने कहा था कि पहले तो एक फादर ने इजाजत दी है दो बेटे और बेटी को कि जाकर बैकयार्ड में खेलो लेकिन गंदा नहीं होना, यहाँ तक समझ में आ गया था? जी सर. उसके बाद फादर ने बोल, जब उन्होंने खत्म कर दिया खेल तो फादर ने उनको बोला, और दोनों के फोरहेड पर मड लग चुकी थी ये हमें पता है, ओके. लेकिन फादर ने उनको बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ यू हैव मड ऑन यूर फोरहेड, एक स्टेटमेंट फादर ने उनको बता दी. और फिर क्वेश्चन पूछा फादर ने उनसे, Do you know you have mud on your forehead? And they must answer either yes or no. उसके अलावा कोई आंसर नहीं देना है और दोनों को एक साथ आंसर देना है. ओके? ठीक है सर. दोनों के क्योंकि सर पर forehead पर मड लगी हुई थी, जब उनसे पूछा गया तो for example जो sun था उस, अब हम ये कहते हैं चलें साथ साथ में वो logic की जो language है वो भी लगाते जाते हैं. मैं annotation ले लूँ, ये क्लियर कर लूं ड्राइंग. अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल डी रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर हैज मड ऑन हिज फोरहेड, डॉटर हैज मड ऑन हिज फोरहेड, एस का मतलब है सन हैज मड ऑन हिज फोरहेड, ओके. और फादर ने बोला एटलीस्ट वन ऑफ यू हैव मड ऑन योर फोरहेड, इसका मतलब है आपको पता है कि फादर ने क्या बोला है, डी और एस बोला है, राइट? या तो दोनों के या तो एक के एटलीस्ट है, ये फादर ने यही बोला है ना? यस सर. लॉजिक की लैंग्वेज में, लॉजिक की लैंग्वेज में, ओके. अब देखें, जब सन को नजर आ गया कि सामने उसकी बहन के फोरहेड पर मड लगी हुई है, तो उसको ये तो पता नहीं अब कि मेरे हेड फोरहेड पर लगी हुई है नहीं लगी हुई है. जब उस फादर ने पूछा डू यू नो यू हैव मड ऑन योर फोरहेड, तो उसने यही अज्यूम किया जब फादर ने ये कहा था वन ऑफ यू हैव मड ऑन योर फोरहेड, तो एक्चुअली फादर बहन के बारे में बात कर रहा होगा. तो और इसलिए उसने बोला कि आई डोंट नो, मतलब नो का मतलब है आई डोंट नो दैट आई हैव मड ऑन माय फोरहेड,
यही मतलब है ना? सर उर्दू में बताया ना सर। पाप ने पूछा था क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सर पर, दोनों से ए सेम क्वेश्चन है, बेटे से भी बेटी से भी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सर पर मट्टी लगी हुई है? तो सन क्या अज्यूम करेगा, सन क्या अज्यूम करेगा, सन सन यही अज्यूम करेगा ना कि बाबा ने बोला था कि तुम में से किसी एक के सर पर मट्टी लगी हुई है, तो वो एक्चुअली बहन के बारे में बोल रहे होंगे क्योंकि उसको बहन की मट्टी तो नजर आ रही है, ठीक है? Yes. और अपनी मट्टी नहीं नजर आ रही तो वो अपने बारे में सच में उसको पता ही नहीं है ना कि मेरे सर पर मट्टी लगी है या नहीं लगी, उसको तो पता ही नहीं है। ठीक तो है वो क्या बोलेगा, नो बोलेगा। इसी तरीके से डॉक्टर भी पहली मरतबा नो ही बोलेगी, दोनों नो बोलेंगे। जी सर। क्योंकि उनको अपने सिबलिंग के सर पर नजर आ रही है मट्टी, तो वो यही अज्यूम करेंगे ना कि बाबा तो सामने वाले के, जो मेरी बहन या जो मेरे सामने बहन है उसके सर पर मट्टी लगी हुई थी, शायद उसके बारे में बोल रहे हैं, और मेरा तो मुझे पता ही नहीं कि लगी भी है या नहीं लगी। ओके ठीक है सर। तो पहली मतलब दोनों ने नो बोला, ये समझ में आ गया? ठीक है सर। अब सेकंड टाइम जब फादर ने सेम क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो अभी किसी एक आसानी या डॉक्टर का बताता हूँ, सन को यह पता चला कि क्योंकि पहले बहन ने नो बोला था, बहन ने क्या, बहन ने किस बारे में नो बोला था, कि बहन को पता नहीं था कि उसके अपने सर पर मट्टी लगी हुई है, तो इसका मतलब है बहन ने मेरे सर पर मट्टी देखी थी, सही है? तो अब तो उस भाई को पता चल गया कि बहन ने मेरे सर पर क्योंकि मट्टी देखी थी, इसका मतलब है मेरे सर पर मट्टी लगी हुई है, तो दूसरी मरतबा में तो ये यस बोलेगा। यस सर। इसी तरीके से दूसरी मर्तबा में वो लड़की भी यस बोलेगी, डॉक्टर भी यस बोलेगी, ठीक है? तो पहली मर्तबा में दोनों नो बोलेंगे, दूसरी मर्तबा में दोनों यस बोलेंगे। चलें, वैसे सॉल्यूशन इतना मैं पता नहीं क्यों वो आपको बोल रहा हूँ, बुक सामने नहीं है, ये खोल लेता ना तो सामने आ जाता। सर बुक का लिंक भेज दो। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि स्लाइड्स में आगे था तो सही आंसर। अच्छा ये पहले वो लॉजिक पजल वाले का सोल्यूशन आ रहा है, वो अपना नाइट एंड ने वाले का, ठीक है? सॉरी ये तो जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया वो इसमें था ही नहीं, स्लाइड्स में नहीं है, बुक में तो है। और तीसरी जो चीज मैंने कही थी, एक और आपकी एप्लीकेशन है दैट इज लॉजिक सर्किट्स में, तो यहाँ पर देखें नॉट पी, पी और क्यू, पी एंड क्यू, इस तरीके के, और फिर कॉम्प्लेक्स जो आपके एक प्रोपोजिशंस बनती है, बिल्कुल लॉजिक पजल्स में भी यही वाली लॉजिक यूज होती है, ठीक है? इसको फर्दर डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे, वैसे ही आप किसी ना किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे। जी सर। अब यहां से हमारा एक्चुअल आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस। प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस में आपको थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूं, कब प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस से पहले थोड़ी सी चीज हम पढ़ेंगे, टोटोलॉजीज, कंट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसीज, लेकिन प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस या लॉजिकल इक्विवेलेंसेस पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कब पढ़ा चुका हूं, जब मैंने आपको इम्प्लीकेशन पढ़ाया था, पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर मैंने इनको लास्ट क्लास में मैंने आपको इनके लिए पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, इनवर्स, कन्वर्स एंड कंट्रापॉजिटिव पढ़ाए थे। हाँ या ना में जवाब तो दें। यस सर। इनवर्स, कन्वर्स एंड कंट्रापॉजिटिव, तब हमने कहा था इफ पी इम्प्लाइज क्यू इज a proposition and तो उसका जो contrapositive होगा वो not q implies not p होगा, और ये दोनों आपस में equivalent हैं। What we mean by equivalent है, इसका मतलब है कि यहाँ पर तो अगर आप elementary propositions बना लें p और q, यहाँ पर आप p implies q का column बना लें, यहाँ पर आप इसके contrapositive का column बना लें, तो ये columns exactly same होंगे। column exactly same होंगे का मतलब है जब जब P implies Q true है तो not Q implies not P भी true होगा, P implies Q जब false है तो not Q implies not P भी false होगा, तो ये column exactly match करेंगे, then we will call that these two compound propositions are logically equivalent, ठीक है? When truth values के column जो दो compound proposition के अगर match कर जाएं, same आ जाएं, तो हम कहेंगे दोनों जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इनका बड़ा यूज होता है जब हम डिफरेंट प्रूफ्स निकाल रहे होते हैं, जब हम आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर रहे होते हैं,
तब हमारे लिए बड़ा यूज होता है। यूज ये होता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, स्टेप में जाने के लिए हम एक लॉजिकल इक्वलेंस की जगह पर, एक लॉजिकल अपना कंपाउंड प्रपोजिशन की जगह पर उसके लॉजिकल इक्वलेंट दूसरी कंपाउंड प्रपोजिशन रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि हम स्टेप्स में आगे बढ़ सकें, प्रूफ की तरफ आगे बढ़ सकें। सो बिफोर वी गो इनटू लॉजिकल इक्वलेंसेस, यहाँ पर तीन टर्म्स लिखी हुई है, टॉटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कॉन्टीजेंसीज। अगेन लेस देन वन मिनट रह गया, इतना जल्दी है मीटिंग खत्म हो गई, सिर्फ एक हमने वो डिस्कस किया। चले एक छोटी सी हम मीटिंग लेंगे बस, अच्छा नमाज ब्रेक दे दें मुकरम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चले एक मिनट रह गया, क्लास एंड करते हैं बस, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि बाकी बच्चे कोई रिस्पॉन्सिव नहीं है, कर क्या रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्लास, क्लास में थोड़ी लंबी कर लेंगे लेकिन वहीं पर डिस्कस करेंगे फर्दर। सो अच्छा दिन है, बड़ा दिन है सब बच्चों को, अपनी क्लास फेलोज को, टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा। क्लास एंड्स हेयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। सीआर अटेंडेंस ले ली थी, वेट वेट वेट, सीआर अटेंडेंस ले ली थी, अगर नहीं लिया तो एक मिनट रह गया, जल्दी से ले लें। वंस अगेन स्क्रीनशॉट्स ले लें एक मिनट में, जो भी ले सकते हैं, जो बच्चा पहले स्क्रीनशॉट में नहीं आया दोबारा आ जाए। अरिशा के अलावा और कौन सीआर था, मैं भूल चुका हूँ, हैंड रेज करें। हमजा नाम था, क्या था? नेक्स्ट क्लास थोड़ी हम ज्यादा लेंगे ताकि हमारी कंटेंट्स कवर हो चुके सकें। क्लास में फिर सुकून से बैठिएगा ऑन कैंपस वाली क्लास में नेक्स्ट।